व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को स्नैपसीड ऐप को ओपन करना होगा। देन दोस्तों जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग को प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइज इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग को पेंसिल के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो सिंपल से आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और आने के बाद आप लोग के सामने एक ड्रामा का आइकन मिलेगा। तो ड्रामा के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि ड्रामा 1, ड्रामा 2। तो आपको ड्रामा 1 पे आना होगा और आने के बाद यहाँ पे जो भी सेटिंग आप लोग को मिलेगा सेम ऐसे रहने दीजिएगा। और सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में ना यहाँ पे क्रॉस तीर के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे ड्रामा पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन दोस्तों ये सेटिंग कर लेने के बाद ना आपका साइज यहाँ पे 100% मिल जाएगा। तो फोटो को आप लोग ऐसे जूम कीजिएगा और कर लेने के बाद केवल आप अपने स्क्रीन पे इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपका स्क्रीन यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा काफी अच्छी सी। और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज ऐसे कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद आपका पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर बिफोर आप यहाँ से फोटो को देख सकते हैं। तो सिंपल से गाइज इसके बाद आप लोग को पेंसिल के आइकन पे अगेन क्लिक करना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट टू के आइकन पे आप क्लिक करके और जहां जहां पे आपका स्किन डार्क है ना वहां पे कुछ ऐसे सिलेक्ट करके दोनों उंगली से छोटा करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके नीचे आके इसकी सिचुएशन को ऐसे कम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं -16 कर लेता हूँ और नीचे साइड में अगेन मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके और इस वाले हाथ पे भी ऐसे करके ब्राइटनेस की वैल्यू इंक्रीज करके और नीचे के सिचुएशन को मैं डिक्रीज करके और सिंपल से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग अगर आप अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो दो स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सिंपल से गाइस तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे टाइप करके, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले कलर पैनल का लिंक दे दिया तो इजीली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और लेने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके इसे डार्केन करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कीजिएगा, ब्रश को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, साइज को आप लोग यहाँ से ऐसे बढ़ा के 100% कर लीजिएगा और फोटो को ऐसे आप जूम करके आप अपने कपड़े पे इसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं भी गाइज इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आप वन क्लिक में उस टाइप की फोटो को एडिट करेंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग। सिंपल से गाइज ऐसे आप लोग को ड्रॉ कर लेने के बाद राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा और बैक आने के बाद आप लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इतना सारा सेटिंग अगर आप कर लिए तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग पेंसिल के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक कर देंगे, प्लस के आइकन पे टैप करके और इस वाले बैकग्राउंड को हम लोग ले लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लेने के बाद सिंपल से नीचे साइड में 3 ऑप्शंस आप लोग के सामने शो होगा, तो इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके इसकी ऑपेसिटी की वैल्यू 100% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, साइज आपका यहाँ पे 100% मिल जाएगा। फोटो को ऐसे आप लोग जूम कर लीजिएगा और अपना अपने बॉडी के साइड साइड से ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसे आप पूरे अपने बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर दीजिएगा केवल अपनी बॉडी को छोड़ के। मैं भी फटाफट से कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करता हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइज। देन दोस्तों जैसे ही आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे इसे ड्रॉ करेंगे तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से आप लोग को नीचे साइड में राइट वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से बैक आना होगा और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइज आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, आपको अगेन पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, डबल एक्सपोजर के आइकन, प्लस के आइकन पे ऐसे टैप कर दीजिएगा, और मैंने इस वाले जो होता ना बुक के PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो इजिली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे
से लेने के बाद बीच वाले पे क्लिक करके लाइट एन कर दीजिएगा और राइट क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के आइकन और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके साइज यहाँ से 0% करके और आपके बॉडी पे ये वाला जो आया ना बोके वाला इफेक्ट, इसे ऐसे आप सिंपल से हटा लीजिएगा। और हटा लेने के बाद आप राइट क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा और बैक आने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइज अपने फेस को स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन इसी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्मूथ 2A ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो इसकी जो होता है ना फेस स्पॉट लाइट को ऐसे हम लोग बढ़ा के 19% कर देंगे प्लस साइड में और इसकी स्मूथनेस को 100% करके और राइट क्लिक कर देंगे और ये सारी सेटिंग करते हम लोग की कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी। तो सिंपल से फोटो को सेव करने के लिए हम लोग डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर देंगे और हम लोग का ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।